If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फवाद और आज मैं जिस ट्रेलर पर रिएक्शन देने जा रहा हूँ वो है तेलुगु मूवी विश्वासम और उसके जो मेन स्टार कास्ट हैं अजित कुमार और नयनतारा और उसे डायरेक्ट किया है शिवा ने। तो बिना कोई टाइम जाए कि आइए ट्रेलर देखते हैं, फिर उसके बाद मैं अपना रिएक्शन भी दूंगा, रिव्यू भी करेंगे। பங்காளியா அடிச்சு தூக்கலாமா? என் கதையில நான் ஹீரோட அடேங்கப்பா என் கதையில நான் வில்லண்டா அந்த வில்லன் மிஸ்டர் உங்க மன கோல கோபம் வரும் ஆனா எனக்கு உங்களை பிடிச்சிருக்கு சார், அதனால லாங் லிவ் ஹாப்பி லைஃப் மெரிட்டே என்கிட்ட இருக்கிற பணத்துக்கு இந்த ஏரியாவையே வாங்கிடுவேன். ஏரி மிதிச்சனவே ஏரியா வாங்குறது இல்ல, மூச்சை கூட வாங்க முடியாது. பேரு தூக்குதர தேனி மாவட்டம் ஊர் கொடுவிலார் பட்டி, பொண்டாட்டி பேர் நிரஞ்சனா, பொண்ணு பேர் ஸ்வேதா. ஒத்தைக்கு ஒத்த வாழா क्वाइट चिल ट्रेलर है, मज़ा आया देख के, एक्शन पैक्ड है, टिपिकल साउथ इंडियन सिनेमा की मूवी है और अजित कुमार काफ़ी पॉपुलर हैं तेलुगु सिनेमा में तो, और फेमस भी हैं और बड़े एक्टर हैं तो डेफिनेटली इनके लिए ऑडियंस और व्यूअरशिप तो है ही। ट्रेलर्स लुक्स फुल पैक्ड एक्शन, जो एक टिपिकल मसाला मूवी है उस टाइप की है। बेस्ट थिंग अबाउट साउथ इंडियन सिनेमा जो मुझे हमेशा से अच्छी लगी है वो ये कि ये लोग एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरते हैं और जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं 90% ये कामयाब होते हैं, 10% इधर उधर कभी हो जाता है एंड विच इज़ क्वाइट नेचुरल। तो आप जिस तरह देखें अजित कुमार इसमें एक अबाउट 40-45 प्लस बंदे का किरदार निभा रहे हैं, उनकी वाइट बियर्ड है, थोड़े से वो छबी नज़र आ रहे हैं तो एक कैरेक्टर की डिमांड के साथ मेरे ख्याल में उनको कास्ट किया गया, लेकिन ही लुक्स क्वाइट अमेजिंग एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे अगर लिया गया, क्योंकि यूजली बॉलीवुड में इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं होते, वाइट बियर्ड के साथ आना या थोड़ा चबी बनकर आना बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, रेगुलर मैंने नहीं देखा लेकिन साउथ इंडियन सिनेमा में क्वाइट कॉमन। जो ऑडियंस है वो दे आर क्वाइट ब्रॉड माइंडेड और उसको वो अच्छे तरीके से लेते भी हैं। एक्शन सीक्वेंस जैसे मैंने बोला टिपिकल साउथ इंडियन स्टाइल का है और जो जमता है और जो बिकता है वही लोग बनाते भी हैं। शिवा ने अच्छी डायरेक्शन दी है। बाय द ट्रेलर डायरेक्शन लुक्स अमेजिंग, बैकग्राउंड स्कोर, लोकल्स, वीडियो, एक जो गांव का माहौल इसमें दिखाया गया है ए लुक्स क्वाइट रियल एज वेल। मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि इस फिल्म की स्टोरी लीक हो गई है, लेकिन जो ऑफिशियल हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन हाउस उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि जो भी स्टोरी रिलीज हुई है इंटरनेट पर या सोशल मीडिया पर इज़ फेक, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस फिल्म की स्टोरी से। और ट्रेलर देखने के बाद एक टिपिकल टाइप की मूवी लग रही है, लेकिन स्टोरी इसकी क्या है आखा जज बाय द ट्रेलर, लेकिन ये है कि मज़ा आने वाला है, फुल टाइम मसाला एंटरटेनमेंट होगा। पोंगल पर रिलीज़ हो रही है, रजनीकांत की मूवी पेटा भी रिलीज़ हो रही है पोंगल पर,
क्लैश कैसा होगा, दोनों की अपनी अपनी ऑडियंस है. लेट्स सी हाउ इट गोज. बहरहाल लुक्स गुड, आई क्वाइट लाइक द ट्रेलर. और मेरा रिएक्शन बस यहीं तक था. मैं अपना वीडियो वाइंड अप करता हूँ. अगर आपको मेरा वीडियो या ट्रेलर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए. और मुझे रिकमेंड कीजिए मज़ीद वीडियोस, न्यूज़, वायरल न्यूज़ वीडियोस, सॉन्ग, एनीथिंग यू वांट मी टू रिएक्ट, आई विल डेफिनेटली डू दैट फॉर यू. अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. स्टे सेफ, खुश रहें, गुड बाय एंड अस्सलाम वालेकुम.